ओके, सो दिस चैप्टर वाज अबाउट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हमने ज्यादातर जो डिटेल इस चैप्टर में सीखी थी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सीखी थी। अब आज जो आपका टॉपिक होगा दैट विल बी द एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। तो मैं एक पहली इंफॉर्मेशन उन दोनों टॉपिक्स के बारे में आपको दे दूं, और वो जो संदेश है वो ये है कि ये दोनों जो टॉपिक्स हम लोग आज कवर करने वाले हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के अंडर पे आते हैं, ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनी इज ऑलमोस्ट समथिंग डिफरेंट, लेकिन जो एपोमिक्सिस है दैट इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो उस बारे में बात करेंगे। अब हमने कल सीड के बारे में डिस्कशन किया था, सीड का जर्मिनेशन जो है वो आज हम डील करने वाले थे। कल हमने डाइकॉट एंड मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर डील कर लिया था, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट एम्ब्रियो भी खत्म हो चुका है। तो लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक हमें जानना है अबाउट सीड जर्मिनेशन। अब ये जो टॉपिक है मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए नया टॉपिक है, क्योंकि आपने इसके बारे में क्लास 11th में भी कुछ कुछ बातें सीखी होंगी, जानी होंगी, ठीक है। देन सीड जर्मिनेशन के टाइम पर कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे जर्मिनेशन को, उनकी बात की जाएगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे शॉर्ट में, और उसका भी जो मेथड हमें डिटेल में डील करना है दैट इज एपोमिक्सिस, और उसके बाद बात करेंगे पॉली एम्ब्रियोनी की। फिर एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास होगा दैट विल बी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कि अगर आपको दो अलग प्लांट के डिजायर्ड कैरेक्टर्स को मिलाकर कोई नए कैरेक्टर वाला पौधा डिजाइन करना है या बनाना है, तो वो जो टेक्निक होती है वो होती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। उसके बारे में बात करें तो सीड जर्मिनेशन इज बेसिकली व्हाट, कि अगर कोई आपसे पूछे कि सीड जर्मिनेशन क्या होता है तो आप कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में समझाती हूँ। कल हमने सीड जर्मिनेशन के अलावा सीड डॉर्मेंसी की भी बात की थी, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि जब डेवलपमेंट हो चुकी होती है एम्ब्रियो की, जब सीड का फॉर्मेशन हो चुका होता है, तो जब सीड बन चुकी है तो उसके पास फ्यूचर में दो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि वो क्या करेगी, ठीक है। तो या तो वो जर्मिनेट कर सकती है, और या तो फिर वो क्या कर सकती है, स्लीपिंग पीरियड में जा सकती है, रेस्टिंग फेज में जा सकती है। और जो उसका रेस्टिंग फेज था उसी का नाम था डॉर्मेंट स्टेज, क्लियर। तो यहाँ पर बेसिकली सीड जर्मिनेशन का जो टॉपिक है वो उन सीड्स के लिए होगा जो कि अपने वायबिलिटी पीरियड को कंटिन्यू कर रही हैं, या तो फिर उन सीड्स के लिए होगा जो कि डॉर्मेंट स्टेज से बाहर आ रही हैं, ठीक है। सपोज कोई सीड ऐसा था जो कि डॉर्मेंसी के पीरियड में चला गया था, द सीड वॉज resting, it was sleeping. तो जब वो seed active होना चाहता है तो वो seed को active होने के लिए एक चीज का इंतजार करना पड़ेगा, और वो जो इंतजार है वो किस चीज का कर रहा है, वो उन चीज का इंतजार कर रहा है कि कब मेरी फेवरेबल conditions आए, कब वो मौसम आए जिसमें मेरा germination हो सके, कब मुझे proper light मिले, कब मुझे proper खाना मिले, कब मुझे प्रॉपर पानी मिले, ऑक्सीजन मिले, और मैं जर्मिनेट कर जाऊं, ठीक है। तो यहाँ पर सीड का जर्मिनेशन इज बेसिकली जब कोई सीड डॉर्मेंट स्टेज से बाहर आता है, एक्टिव हो जाता है, वायबल हो जाता है और अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है, तब उस प्रोसीजर को हम कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो जब सीड का जर्मिनेशन होगा तो आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो इन दोनों शब्दों के साथ, प्लिम्यूल से भी, रेडिकल से भी। आई गेस मैंने डाइकॉट एम्ब्रियो पढ़ाया, मोनोकॉट एम्ब्रियो पढ़ाया, दोनों जगह पे बार बार मैंने ये शब्द बोला, प्लिम्यूल होता है, रेडिकल होता है। अभी तक आप लोगों को बिल्कुल याद हो गया होगा, एज इन ये आपकी डेली लाइफ में यूज होता है बिल्कुल उसी तरीके से, कि प्लिम्यूल क्या डेवलप करेगा, शूट सिस्टम, रेडिकल क्या डेवलप करेगा, रूट सिस्टम, ठीक है। तो जैसे ही सीड जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा कि सीड के जर्मिनेशन के टाइम पर रूटिंग एंड शूटिंग स्टार्ट होती है। तो रूटिंग का मतलब होता है रूट का डेवलपमेंट, रूट का ग्रोथ। शूटिंग का मतलब होता है स्टेम का जो सिस्टम है
लीव्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, ये सारे तो सेकेंडरी होंगे. सबसे पहले एपिकल स्टेम जो है वो बनना स्टार्ट होगा, मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट. उसको हम कहेंगे शूटिंग. जैसे ही प्राइमरी रूट बनेगा फ्रॉम द रेडिकल, एपिकल स्टेम बनेगा फ्रॉम द प्लीम्यूल, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि सीड हैज स्टार्टेड जर्मिनेशन. और जो ये चीजें बाहर ग्रो करती नजर आ रही हैं, दैट विल बी द पार्ट्स ऑफ द न्यू प्लांटलेट. मतलब उसमें से जो छोटा सा नया सा यंग प्लांट आने वाला है, ये उसके पार्ट्स हैं. लेटर ऑन प्लीम्यूल ने ग्रो करना स्टार्ट किया, रेडिकल ने ग्रो करना स्टार्ट किया. अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाट अबाउट द कॉटिलेडॉन्स? ठीक है, जब हमने डाइकॉट एम्ब्रियो पढ़ा तो हमने देखा कि वहां पर दो कॉटिलेडॉन्स होते हैं. मोनोकॉट एम्ब्रियो पढ़ा तो देखा कि वहां पर एक कॉटिलेडॉन एक्टिव रहता है, दूसरे कॉटिलेडॉन का रेमिनेंट रहता है जिसका नाम एपीब्लास्ट था. तो अब क्वेश्चन है, प्लीम्यूल रेडिकल ग्रो कर रहे हैं, व्हाट अबाउट द कॉटिलेडॉन? तो कॉटिलेडॉन इज गोइंग टू डीजनरेट, क्योंकि कॉटिलेडॉन का अब आगे कोई काम नहीं है. ठीक है, बाकी जो भी काम है वो प्लीम्यूल एंड रेडिकल ने करना स्टार्ट कर दिया है. अब जो कॉटिलेडॉन है, दे आर गोइंग टू डीजनरेट. जर्मिनेशन यहाँ पर बेसिकली सीड की जो होती है वो दो तरह से हो सकती है, बट अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो वो तीन तरह की होती है. ठीक है, जर्मिनेशन यहाँ पर एक्चुअली आप देखेंगे तो तीन तरह की होती है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर टू ब्रॉड कैटेगरीज. जो तीसरी कैटेगरी होती है वो कुछ स्पेशल है. वहां पर नॉर्मल जर्मिनेशन के कंपैरिजन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं. तो लेट अस सी कि वो कौन कौन से टाइप के जर्मिनेशन हमें यहाँ पे डील करने. तो सीड की जर्मिनेशन के टाइप्स देखते हैं. फर्स्ट टाइप जब आप देखेंगे तो दैट इज द एपिगाइल जर्मिनेशन. एपिगाइल जर्मिनेशन जो होता है, इसमें क्या खासियत होती है या क्यों इसको हमने एपिगाइल जर्मिनेशन का टर्म दिया है? एपिगाइल जर्मिनेशन जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कॉटिलेडॉन्स हैं, दे आर पुश्ड आउट ऑफ द सॉइल, सॉइल से बाहर आते हैं. रीजन क्या होता है? रीजन होता है कि यहाँ पर हाइपोपोटाइल की इलोंगेशन शुरू होती है. दो शब्द आप लोगों को याद हैं, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल. हाइपोकोटाइल जो है वो जनरली किस तरफ रहता है? रेडिकल की तरफ. एपिकोटाइल जब आप देखेंगे तो वो यूजुअली किस तरफ रहता है? वो रहता है प्लीम्यूल की तरफ. ठीक है, तो यहाँ पर जर्मिनेशन के दो तरीके हो सकते हैं, या तो हाइपोकोटाइल का इलोंगेशन पहले हो जाए और या तो फिर एपिकोटाइल का इलोंगेशन पहले हो जाए. दोनों में से जिसका भी इलोंगेशन पहले होगा उस तरीके की जर्मिनेशन होती है. ठीक है, तो यहाँ पर एपिगाइल जर्मिनेशन जब आप देखते हैं तो द थिंग दैट इज गोइंग टू इलोंगेट इज हाइपोकोटाइल. जैसे ही हाइपोकोटाइल की इलोंगेशन स्टार्ट होती है तो बिकॉज ऑफ दैट जो कॉटिलेडॉन्स होते हैं, दे आर पुश्ड आउट. क्योंकि अगर हाइपोकोटाइल की लेंथ बढ़ेगी तो कॉटिलेडॉन ऊपर की तरफ खसकता जाएगा एंड इट इज गोइंग टू गो आउट ऑफ द सॉइल लेयर. ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि जब ये ऊपर चले जाते हैं तो ये अपना जर्मिनेशन बिल्कुल उसी तरीके से शुरू करेंगे. रेडिकल वाला जो पार्ट है दैट इज गोइंग टू फॉर्म प्राइमरी रूट. प्लीम्यूल वाला जो पार्ट है दैट इज गोइंग टू फॉर्म द शूट सिस्टम. ठीक है, ऐसा कौन कौन से पौधे में आपको देखने मिलेगा? तो यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व इट इन कैप्सुला, जो कि टिपिकल एंजियोस्पर्म है. अभी तक इस चैप्टर में जो भी प्रोसेसेस हमने सीखे हैं दैट वाज विथ रिस्पेक्ट टू कैप्सुला. ठीक है, कैस्टर में देख सकते हैं, इसके अलावा टैमरिन में देख सकते हैं, अनियन में ऐसा देख सकते हैं. लेटर ऑन जैसे ही ये कॉटिलेडॉन की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो वहां पर भी कुछ कंडीशंस होती हैं. से फॉर एग्जाम्पल, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जब कॉटिलेडॉन ग्राउंड के ऊपर गया तो वो है ना फोलियर हो जाता है. फोलियर का मतलब होता है इट बिकम्स लीफ लाइक, पत्ते की तरह दिखने लगता है. जब वो पत्ते की तरह दिखेगा तो ऑब्वियसली उसका कलर जो होगा वो ग्रीन होगा, क्योंकि
उसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होगा, दैट इज द क्लोरोफिल, तभी वो ग्रीन नजर आ रहा है। इसमें तो और कोई एक्स्ट्रा लॉजिक लगाने वाली बात ही नहीं है। तो जैसे ही वो फोलियर हो जाता है, इट अपीयर्स ग्रीन लीफ लाइक, तो वो फोटोसिंथेसिस करना भी स्टार्ट करता है। ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि जो कॉटिलेडॉन्स होते हैं वो फोलियर स्ट्रक्चर को ऑक्यूपाई नहीं करते, वो जैसे थे वो बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, नो मॉडिफिकेशंस इन द स्ट्रक्चर। तो अगर उन्होंने फोलियर स्ट्रक्चर नहीं लिया, अगर वो लीफ लाइक नहीं दिख रहे हैं, देन बट ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस भी नहीं करेंगे। तो जब ये सारा काम नहीं होगा तब क्या होता है कि वो लीफ लाइक शेप नहीं लेने की वजह से उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्ट होना स्टार्ट होता है एंड लेटर ऑन फॉल ऑफ हो जाएगा या विदर ऑफ हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम हिंदी में झड़ जाना कहते हैं। तो इट विल गेट डिटैच फ्रॉम द प्लांट जो कि अभी ग्रो कर रहा है। अब ये दोनों कंडीशंस कहाँ कहाँ आप देख पाएंगे। फोटोसिंथेटिक कंडीशन जो मैंने आपको बताई कि कॉटिलेडॉन फोलियर नेचर लेगा, वो हमें दिखाई देता है कैस्टर और पपाया में। और अगर हम विदरिंग ऑफ देखेंगे या फॉलिंग ऑफ देखेंगे तो वो हमें फ्रेंच बीन एंड टैमरिंड में देखने के लिए मिलता है। ऑल राइट, अब देखिए आप ये सारी चीजें प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। अगर आपके पास टैमरिंड का सीड अवेलेबल है या पपाया या कैस्टर अवेलेबल है, देन ऑब्वियसली आप ये सब चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो। बट हाँ, नेकेड आई से आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी जगह से क्या हुआ है। आपको उसका एक सेक्शन लेना होता है और सेक्शन लेने के बाद आपको देखना होता है कि हाँ, यहाँ पर हाइपोकोटाइल है, यहाँ पर उसने पहले जर्मिनेट किया या इलोंगेट किया, अब कॉटिलेडॉन बाहर गया, ठीक है, ये सब कुछ आपको दिखेगा बट सेक्शन कट करके। ओके, अगला होता है हाइपोगाइल जर्मिनेशन। अब हाइपोगाइल जर्मिनेशन जो है वो एपिगाइल जर्मिनेशन का बिल्कुल रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वहां पर हाइपोकोटाइल पहले डेवलप कर रहा था, इलोंगेट कर रहा था, यहाँ पर आप देखेंगे कि वही काम किसने किया है, वही काम किया है एपिकोटाइल ने। दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है सीड के अंदर कौन पहले इलोंगेट करेगा। तो यहाँ पे कौन इलोंगेट कर रहा है पहले, एपिकोटाइल। प्लिम्यूल बाहर आता है, ठीक है, आउट ऑफ द ग्राउंड, उसके बाद कॉटिलेडॉन्स जो है वो अंदर ही रहते हैं, जबकि हाइपोकोटाइल इलोंगेशन के कारण एपिगाइल जर्मिनेशन में कॉटिलेडॉन बाहर चला गया था, ठीक है, हाइपोगाइल जर्मिनेशन में वो अंदर ही रहेगा। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे एपिगाइल और हाइपोगाइल क्यों टर्म दिया गया है, ठीक है। एपी का मतलब होता है पेरीफेरी या सरफेस पे रहना या उससे बाहर जाना। तो एपिगाइल जर्मिनेशन में कॉटिलेडॉन वॉज गोइंग आउट ऑफ द सरफेस। यहाँ अगर आप देखोगे हाइपोगाइल में, तो हाइपो वर्ड का मतलब होता है सप्रेस्ड। तो यहाँ कॉटिलेडॉन का पोजीशन देखिए जरा, कॉटिलेडॉन जो है वो अभी भी अंडरग्राउंड है, ठीक है, अंडरग्राउंड ही वो रह रहा है। अगर इस तरह का जर्मिनेशन होता है तो यूजुअली इस तरह का जर्मिनेशन मोनोकॉट्स में दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ डाइकॉट्स भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं, मेज है, राइस है, मैंगो है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल मोनोकॉट्स के ही होते हैं। डाइकॉट प्लांट का एग्जाम्पल मैंने आपके लिए इसीलिए पुट अप नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, एक जरूर है आपके पास, टी है यहाँ पर। बाकी के डाइकॉट्स के एग्जाम्पल मैंने इसलिए पुट अप नहीं किए हैं, थोड़े से वो टिपिकल होते हैं उनके नाम, बट हाँ यू कैन रिमेम्बर द मोस्ट कॉमन वन, दैट इज द पी। ओके, तो ये होता है अबाउट एपिगाइल एंड हाइपोगाइल जर्मिनेशन। इनके बीच में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग इनके बीच के जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं वो जरूर अपने नोट्स में लिखिएगा। कोशिश करिएगा कि इनके बीच में जितने ज्यादा डिफरेंसेस आप निकाल सको। नाउ दिस इज द पिक्चर जहां पे आप ये दोनों तरह का जर्मिनेशन ऑब्जर्व कर सकते हो क्लियरली। तो आपको दिखेगा कि एपिगाइल जर्मिनेशन और हाइपोगाइल जर्मिनेशन दोनों में क्या अंतर है। कॉटिलेडॉन की पोजिशन देखिए, कॉटिलेडॉन की पोजीशन से ही आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बेसिकली उसी पे हमने ये दोनों को डिफरेंशिएट किया है, कॉटिलेडॉन के पोजीशन के बेसिस पे।
तो यहाँ देखिए हाइपोबाइल में कॉटिलेडॉन इज स्टिल अंडरग्राउंड, ठीक है, हाइपोकोटाइल भी अंडरग्राउंड है क्योंकि इलोंगेशन किसका हुआ था, इलोंगेशन यहाँ पर एपिकोटाइल का हुआ. अब एपिगाइल में देखिए, एपिगाइल जर्मिनेशन में कॉटिलेडॉन इज आउट, बाहर आ चुका है, ठीक है, इट इज आउट. हाइपोकोटाइल ने इलोंगेट किया था, यहाँ पे देखिए हाइपोकोटाइल की इलोंगेशन. अब ये दोनों तरह की जर्मिनेशन के अलावा, ये तो मोस्ट कॉमन टाइप होते हैं, वन स्पेशल टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन इज ऑल्सो देयर, और उसको हम कहते हैं वीवी पेरस जर्मिनेशन या फिर वीवी पेरी. आप मुझे बताइए कि जूलॉजी के रिस्पेक्ट में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीवी पेरी या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीवी पेरस. वीवी पेरस ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू जूलॉजी आपको आंसर करना है, बॉटनी के रिस्पेक्ट में नहीं. जूलॉजी के रिस्पेक्ट में बताइए कि वीवी पेरस ऑर्गेनिजम्स या वीवी पेरी का मीनिंग क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीवी पेरी, जो एक्स नहीं रिप्रोड्यूस करते, गिव बर्थ टू यंग वंस. ओके, दोनों ही करेक्ट हैं. दिव्या इज ऑल्सो करेक्ट, कार्तिक इज ऑल्सो करेक्ट. नहीं पलक, आप थोड़ा सा अपना आंसर चेक करिए, ठीक है. ओके, सो आई हैव गॉट द आंसर. और आप लोगों को भी याद होगा, अगर एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स को ओवी पेरस कहा जाता है, ठीक है. और जो एग लेइंग नहीं होते हैं, जो यंग वन को बर्थ देते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को वीवी पेरस ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है. हाँ, आप एक और कैटेगरी वहां देख सकते हो, दैट इज ओवो वीवी पेरस. तो उनके पास दोनों कैपेसिटी होती है ना, ठीक है. ओवो वीवी पेरस वो वहां पे एक अलग सा कंडीशन है. तो वैसे ही प्लांट्स के केस में जो अलग सा कंडीशन है वो है वीवी पेरस जर्मिनेशन का. अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है कि इसमें क्या ऐसा खास होता है, तो लेट अस सी कि क्या स्पेशल है. ये जो सीड जर्मिनेशन होता है, पहली बात तो ये आपको एज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने मिलेगा मैनग्रोव वेजिटेशन में. मे आई नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनग्रोव वेजिटेशन. मैनग्रोव वेजिटेशन की खासियत क्या होती है, मैनग्रोव वेजिटेशन की खासियत होती है कि ये हमेशा मडी और सलाइन सॉइल में ग्रो करने वाले प्लांट्स होते हैं, ठीक है. ये वेजिटेशन कहाँ पर की जाएगी, जहां पर बहुत ही ज्यादा मड हो, मार्शी लैंड हो और सलाइनिटी काफी ज्यादा हो, उन कंडीशंस में ग्रो करने वाले जो प्लांट्स होते हैं दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ मैनग्रोव वेजिटेशन. ओके, तो यहाँ पे राइजोफोरा का नाम तो आपने सुना ही होगा. राइजोफोरा इज द बेस्ट एग्जाम्पल. बाकी के दो एग्जाम्पल्स आपके लिए थोड़े से अनफेमिलियर साउंड करेंगे. देन यहाँ होता क्या है, पॉइंट इज दैट कि वीवी पेरी में होता क्या है. यहाँ पर जो एम्ब्रियो है या जो सीड है उसका कोई रेस्टिंग पीरियड नहीं होता, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है. पहली बात क्या है हमारे पास कि यहाँ पे एम्ब्रियो का या सीड का कोई रेस्टिंग पीरियड नहीं है. अब जो जर्मिनेशन हो रही है वो जर्मिनेशन फ्रूट के अंदर होती है, जब तक वो फ्रूट प्लांट बॉडी से अटैच्ड है, मतलब जो उसका पेरेंट प्लांट है उसकी बॉडी से वो अटैच्ड है, तभी जर्मिनेशन होगा और फ्रूट के अंदर जर्मिनेशन होगा. अभी तक आपने एपिगाइल और हाइपोगाइल जर्मिनेशन देखा, वहां मैंने आपको ऐसा कुछ भी बताया कि जर्मिनेशन फ्रूट के अंदर हो रहा है? आपने कभी ऐसी कंडीशन देखी है कि फल खाने के लिए हमने फल को काटा हो और उसमें देखा तो सीड जो है वो जर्मिनेट करना शुरू कर चुका था? आपने कभी ऐसा देखा है? नॉर्मली जो भी वेजिटेबल्स आप देखते हैं या जो भी फ्रूट्स आप देखते हैं, हैव यू ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है. ये स्पेशल फीचर है मैनग्रोव प्लांट्स के लिए, ठीक है. इस तरीके की जर्मिनेशन को, जहां पर वो फ्रूट के अंदर ही सीड जर्मिनेट कर रहा है, उसे आप इन सीटू जर्मिनेशन भी कह सकते हो. इसका मतलब क्या निकला कि इसके पहले आपने जो जर्मिनेशन देखे वो कौन सा जर्मिनेशन था, एक्स सीटू, ठीक है. इन सीटू और एक्स सीटू पे थोड़ा सा श्योर रहिए. इन सीटू का मतलब है इनसाइड द फ्रूट हो रहा है. बाकी जो आपने कंडीशंस देखी, दैट इज आउटसाइड द फ्रूट.
तो उसके लिए जो टर्म यूज किया जाएगा दैट विल बी एक्स सी टू जर्मिनेशन. क्लियर? यस यस संग्राम, एनी डाउट यू आर हैविंग? इफ एनी वन ऑफ यू इज हैविंग एनी डाउट यू कैन पोस्ट योर डाउट, आई कैन रिप्लाई. चलिए वापस आते हैं. देन नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे सीडलिंग जो होता है वो सीडलिंग कैसे डेवलप करेगा या फिर वो बाहर कैसे आता है. ओके तो यहाँ पे सीडलिंग जो है ग्रो करता जाएगा, आफ्टर दैट वो कहाँ पर सेपरेट होगा? मट्टी के अंदर. मतलब जब इसका ग्रोथ स्टार्ट होगा सीडलिंग का, सीडलिंग बनेगा, तो जैसे ही वो मड के टच में आता है तो जो उसकी लैटरल रूट्स होती हैं, लैटरल पोजीशन आपको पता होगी, दैट इज राइट एंड लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट एंड लेफ्ट साइड्स पे. तो लैटरल रूट्स जो होती हैं वो जैसे ही डेवलप करना स्टार्ट करेंगी तो उनके बेसल एंड से, जो रेडिकल से जहां से वो ग्रो कर रही हैं, तो ये जो रूट्स होती हैं ये इस सीडलिंग के ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट करती है. ठीक है, ये इस सीडलिंग के ऊपर क्या एग्जर्ट करेंगी? एक तरह का प्रेशर एग्जर्ट करेंगी. और उससे क्या होगा कि उस प्रेशर की वजह से जो पैरेंट प्लांट बॉडी है, नया वाला सीडलिंग उससे डिटैच होता जाएगा, खिंचाता जाएगा. ठीक है, रूट्स के पास बहुत ताकत होती है. तो अगर ये रूट जो है ये इंडिविजुअली ग्रो करने में केपेबल है, अगर ये रूट जो है ये इंडिविजुअली प्लांट को एंकरेज दे सकता है, उसको सपोर्ट दे सकता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकता है, तो अब उसको पैरेंट प्लांट के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है. इट इज गोइंग टू गेट डिटैच्ड. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड इज कॉल्ड एज विवीपेरी, या इसी को हम कहते हैं विवीपेरस जर्मिनेशन. ठीक है, अगली बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि सीड जर्मिनेशन को अफेक्ट करेंगे. तो द फर्स्ट फैक्टर इज मॉइस्चर. अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग फोकस करिएगा कि कौन सा फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करेगा. जो पहला फैक्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ दैट विल बी मॉइस्चर. तो मॉइस्चर का मतलब आप सब समझते होंगे. ठीक है, मॉइस्चर का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम वाटर कंटेंट की बात कर रहे हैं. तो आप लोगों को एक फैक्ट याद है, कल मैंने आप लोगों को जो नोट्स दिए थे उसमें हमने लिखा था कि जैसे जैसे सीड बनता है तो वो ड्राई होता जाता है. याद है या नहीं याद है? ये चीज आप लोगों को सिखाई गई थी कि जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो चुकी, सीड बन गया, तो वहां पर जो इंटेग्यूमेंट्स हैं वो सीड पोर्ट बन जाते हैं. तो देयर आई टोल्ड यू कि जो ये सीड है ये ड्राई होने लगता है. तो जब ये सीड ड्राई होने लगता है ना, तो ड्राई कंडीशन में इसका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो होता है अराउंड 10-15%. ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो सीड है ये डॉर्मेंसी पीरियड में चला गया. ओके, ये डॉर्मेंसी अंडरगो कर रहा है, यहां पर डॉर्मेंसी चल रही है, इसकी सो रहा है. जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगे तो ये जर्मिनेट करेगा, और जब ये जर्मिनेट करेगा तो इट इज वेरी इजी एंड सिंपल कि मॉइस्चर कंटेंट अब ज्यादा चाहिए. अब इसको मॉइस्चर कंटेंट जो चाहिए दैट इज अराउंड 60-95% के अराउंड. ठीक है, यहां पर अब सीड के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए दैट इज अराउंड 60-95%. मतलब इसको काफी सारा पानी चाहिए होता है. अब मैं आपको रीजन बताती हूँ कि मॉइस्चर का इतना इम्पोर्टेंट रोल क्यों है. आपने टेंथ में भी ये पढ़ा होगा, जब कोई भी सीड जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक सीड है जो कि अभी जर्मिनेट करने वाला है, तो जब इसके ऊपर वाटर अप्लाई किया जाएगा तो ये जो वाटर है इट इज फर्स्ट एब्जॉर्ब्ड बाय, कौन इसको एब्जॉर्ब करेगा? इट इज फर्स्ट एब्जॉर्ब्ड बाय सीड कोट. यहां पर सीड की जो कोटिंग है वो सबसे पहले पानी एब्जॉर्ब करती है. अब अगर उसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया तो इससे क्या होगा कि वहां पर परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी. अगर परमिएबिलिटी बढ़ गई तो क्या होगा? प्रोटोप्लाज्मिक एक्सचेंज बढ़ जाएगा. प्रोटोप्लाज्मिक एक्सचेंज का मतलब है, और परमिएबिलिटी का मतलब है
कि यहाँ पर सेल जो है वो अपने थ्रू ट्रांसपोर्ट अलाउ करेगा, बाहर से गैसेस लेगा, अंदर से जो एक्सक्रीटरी गैसेस हैं उनको रिलीज करेगा, आयंस का ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब प्रोटोप्लाज्म एक्टिव है. अगर प्रोटोप्लाज्म एक्टिव हुआ देन वी ऑल नो कि मेटाबॉलिज्म जो है यहाँ पर वो हायर हो जाएगा. अगर मेटाबॉलिज्म हायर हुआ देन बट ऑब्वियसली सीड जो है वो फिजियोलॉजिकली पीक पर एक्टिव हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट ग्रोइंग. ठीक है, यहाँ पर जो प्लीम्यूल और रेडिकल हैं उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी. तो एम आई क्लियर विद द फर्स्ट फैक्टर? पहला जो फैक्टर आपको एक्सप्लेन किया गया ये सभी को क्लियर है अबाउट मॉइस्चर कंटेंट. लेट अस टेक सेकेंड फैक्टर नाउ. यहाँ पे जो सेकेंड फैक्टर होता है वो होता है ऑक्सीजन. अब जब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन में तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ऑक्सीजन जो है दैट इज द रेस्पिरेटरी गैस. इसका रिक्वायरमेंट तो हमें लगेगा ही लगेगा. अब मैं एक्सप्लेन कर दूं कि कैसे. ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. अगर ऑक्सीडेशन आपको फूड का करना है तभी सीड को एनर्जी मिलेगी, और ऑक्सीडेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो ही नहीं सकता. तो जब ऑक्सीजन मिलेगा तो फूड का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा फूड का तो एनर्जी मिलेगी. इसी एनर्जी को यूज करके सीड जो है वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा. तो ये इन्फ्लुएंस होता है ऑक्सीजन गैस का. नेक्स्ट फैक्टर होता है टेम्परेचर. नाउ अगेन व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर कि यहाँ पर सीड्स जो होते हैं वो 0 से लेकर 5 डिग्री के टेम्परेचर पर ग्रो नहीं करते. ठीक है, और इसके नीचे भी ग्रो नहीं करते, मतलब माइनस में टेम्परेचर है तो भी नहीं ग्रो करेंगे, 0 से 5 पे भी नहीं करते. फिर क्या होगा, अगर टेम्परेचर 45 डिग्री से एक्सीड करता है, ठीक है, 45 डिग्री से ज्यादा होगा यहाँ पे टेम्परेचर, तो इस कंडीशन में भी सीड ग्रो नहीं कर सकता. तो आपके पास एक ही रास्ता बचा कि हम ऐसा कोई ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज ले लें जहां पे सीड ग्रो करेगा. तो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सीड ग्रोथ इज 20 to 25 डिग्री सेल्सियस. याद रखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड इज 20 to 25 डिग्री सेल्सियस. ये 3 फैक्टर्स हमने बात कर ली. अगला फैक्टर है फूड या न्यूट्रिशन. ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि फूड या न्यूट्रिशन अगर कम मिलेगा सीड को तो वो बिना न्यूट्रिशन के, बिना फूड के एनर्जी नहीं ले सकता. एनर्जी नहीं मिलेगी तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज नहीं होंगी तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा. तो फूड इज वेरी वेरी असेंशियल फैक्टर. इसके बाद होता है लाइट. जब हम बात कर रहे हैं लाइट की, बिफोर दैट वी हैव अ डाउट, सॉइल का टेम्परेचर या सराउंडिंग का टेम्परेचर? वो तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है जयदीप. हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना है आप लोग ही बताइए, ये जनरल नॉलेज की बात है. व्हाट इज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर? हमारा, हमारे आसपास नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है? व्हाट इज नॉर्मल टेम्परेचर? ओके, कार्तिक इज ऑल्सो हैविंग अ डाउट. आज जो सीड्स कोल्ड रीजन में ग्रो करते हैं लाइक एप्पल, वो कैसे ग्रो करते हैं? बेटा उनका तो अडेप्टेशन ही वही है ना. अब मैं दोनों के डाउट एक साथ क्लियर करती हूँ. देखिए जो नॉर्मल हमारा टेम्परेचर नोटेड होता है वो 35 डिग्री के अराउंड रहता है, लेकिन आप लोगों को भी पता है कि एग्जैक्टली 35 डिग्री पे हम लोग रहते हैं क्या? ऐसा होता है क्या कि हम एग्जैक्टली 35 नापेंगे तभी रहेंगे? ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो टेम्परेचर उसके आसपास ही रहता है हमारा. अब उस बीच में 20 से 25 के आसपास के टेम्परेचर को हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर बोला है. पहले मैं जयदीप का डाउट क्लियर कर रही हूँ. ऑप्टिमम, ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब है जहां पर जर्मिनेशन बेस्ट होगा. ठीक है, 20 से 25 डिग्री पे बेस्ट होता है. अगर आपने थोड़ा सा बढ़ाया घटाया तो वो जो रेंज होगी उसमें भी जर्मिनेशन होगा. लेकिन हाँ, 5 डिग्री से नीचे मत जाइए, 45 डिग्री से ऊपर मत जाइए. अब आते हैं एप्पल के ऊपर. तो देखिए कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि ठंडी या गर्मी के लिए अडेप्टेड होते हैं. ठीक
ठीक है, जैसे आप लोगों का महाराष्ट्र फेमस है फॉर ऑरेंज, यस और नो? ऑरेंज को ले जाके कश्मीर में ग्रो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो महाराष्ट्र की जो कंडीशन है वहां पर ऑरेंज के लिए फेवरेबल टेम्परेचर है, वैसे ही कश्मीर की जो कंडीशन है दैट इज फेवरेबल फॉर एप्पल। ये उनके अडेप्टेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और हम जो फैक्टर की बात कर रहे हैं उसमें हमने सारे पौधों को कंसिडर किया। आप समझ रहे हो कार्तिक व्हाट मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको? जो स्पेशल अडेप्टेशन है प्लांट्स की उनको हम नहीं नोटिस कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल सेंस में बात कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के लिए ऐसा होता है, लेकिन किसी किसी प्लांट का स्पेशल अडेप्टेशन होता है तो वो अपने अडेप्टिव फीचर के अकॉर्डिंग अपने क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो करेंगे। ओके, यू मीन आइडियल केसेस वी आर स्टडिंग? नो, वी आर स्टडिंग नॉर्मल केसेस, दैट नॉर्मली व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और यू कैन से दैट वी आर स्टडिंग अबाउट द जनरल केसेस, कि जनरली क्या होता है, ठीक है। जनरली ये होता है, अगर आप ऐसे पौधे की बात करें जो कि नॉर्मल क्लाइमेट पे है, जहां ना ज्यादा ठंडी हो रही है ना ज्यादा गर्मी हो रही है, तो नॉर्मली व्हाट द प्लांट इज गोइंग टू डू। लेकिन जो प्लांट जिस क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए अडेप्टेड है वो ऑब्वियसली वहां ग्रो करेगा। एप्पल इज अडेप्टेड फॉर कोल्ड क्लाइमेट, ऑरेंज इज अडेप्टेड फॉर हॉट क्लाइमेट, तो वो अपनी अपनी तरह से अपना अडेप्टेशन कंटिन्यू करेंगे। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो भी फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, ये फैक्टर्स अगेन नॉर्मली सारे प्लांट्स के रिस्पेक्ट में डील किए जा रहे हैं, लेकिन हर एक प्लांट का अपना फेवरेबल कंडीशन होता है, ठीक है। हर एक प्लांट के पास क्या होगा? अपना फेवरेबल कंडीशन होता है। लास्ट है लाइट। तो जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट का इफेक्ट तो आप लोग जानते ही हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में कौन से कलर की लाइट इस्तेमाल होते हैं यूजुअली? कौन से कलर के लाइट पे फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है? एनीवन? यस, वेरी गुड कार्तिक, द आंसर टू द क्वेश्चन इज रेड लाइट। रेड लाइट पे फोटोसिंथेसिस जो होता है वो मैक्सिमम होता है। नहीं अनुष्का, चेक योर आंसर, रेड लाइट इज द आंसर। तो लाइट का इफेक्ट आपको ऑलरेडी पता है, बट हाँ कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जिनको लाइट से कोई मतलब नहीं है, जैसे कि टोबैको, तंबाकू, ठीक है। उसके जो सीड्स होते हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है लाइट है नहीं है, वो जर्मिनेट कर जाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द सीड्स को क्या चाहिए होता है? लाइट चाहिए होता है, क्योंकि जो उसमें से सीडलिंग ग्रो करेगा, नया प्लांट होगा, उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? अब यहां से हम कैरी ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट बिफोर दैट रीजॉइन द मीटिंग।